नमस्कार, मैं सोनाल सोनाल बेंगुल सोनाल्स बेंगुली किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी लेके आई हूँ, जो इसके नाम है बैंगन भाजी, जो बंगाल के हर एक घर में बनती है। तो चलिए, इसके लिए क्या क्या चाहिए हम लोग पहले वो देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बैंगन। बैंगन आप मोटा भी ले सकती हो और ऐसे नहीं मिले तो पतला भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर बैंगन भाजी जो होते हैं इसे ऐसे बड़े बड़े बैंगन में अच्छे लगते हैं। बैंगन और मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, चीनी और तेल। तेल मैंने रिफाइंड लिए है, आप लोग सरसों का भी ले सकती हो। तो चलिए पहले बैंगन को अच्छे से वाश करके काट लेते हैं। तो चलिए बैंगन को हमने अच्छे से वाश करके काट लिए हैं। बैंगन जो है थोड़ा इसे मोटा मोटा ही काटना है, और बैंगन अगर बड़ा बड़ा है तो आप ऐसे बीस से भी कर सकते हो, और छोटा होता है तो इसे गोल से भी काट सकती हो। तो चलिए अब इसमें हम सारा चीज़ मिला लेते हैं। पहले हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर। ये जरूरी नहीं कि मिर्ची डालना ही है, मिर्ची आप पसंद हो तो डाल सकती हैं, अगर बच्चे खाएंगे तो नहीं भी डाल सकते हो। और थोड़ा सा चीनी। अब ये सब हम अच्छे से मिक्स कर लिए सारे चीज़ों को। तो चलिए अभी इसको हम फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई हमने गरम कर लिया, पहले अच्छे से कढ़ाई को गरम कर लीजिए, फिर इसमें तेल डाल दीजिए। इसको हमको इसे हमें डीप फ्राई भी नहीं करना है, इतने तेल में हमारा फ्राई हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए तेल हमारा गर्म हो गया, हम लोग इसको फ्राई कर लेते हैं। अभी इसे हमें ढक देना है। इसे हमें ढक के मीडियम फ्लेम में इसको पकाना है, जब तक कि बैंगन गोल्डन कलर का नहीं होते हैं। तो चलिए बीच बीच में इसको चेक करना है, फ्लेम मीडियम ही रहेगा, और इसको बीच बीच में पलट दीजिए। ये बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन आपको इसको मीडियम फ्लेम में पकाना है। फिर से हम ढक देंगे इसको। चलिए देख लेते हैं, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया। मैंने दो तीन बार इसको पलट पलट के बनाया। चलिए इसको निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों कितनी आसानी से तैयार हो गया बैंगन की भाजी। ये आप किसी के साथ भी खा सकते हो, रोटी चावल बहुत ही टेस्टी लगती है। आप खुद भी खाइए, सबको खिलाइए, और मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।